हेलो स्टूडेंट, एग्रीकल्चर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे संकरण की, तो आज संकरण द्वारा प्रजनन की विधियों की बात करेंगे। फसलों में प्राय निम्नलिखित विधियों प्रयोग में की जाती हैं, जैसे नंबर एक वंशावली विधि, जिसका अध्ययन करेंगे। नंबर दो है पुंज विधि, बुल्क मेथड है। नंबर तीन प्रतीप संकरण बैक क्रॉस। नंबर चार है बहुसंकरण विधि। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वंशावली विधि क्या है, पेडिग्री मेथड। वंशावली विधि में F2 तथा बाद की पीढ़ियों में एकल पौधों का चयन किया जाता है। कि आपको ध्यान है कि जब दो पौधों में संकरण कराया जाता है तो संकरण के बाद में कौन सी बनेगी, F1 बनेगी, और F1 में क्या कराएंगे, 100 परागण कराएंगे, तो बाद में क्या बनेगी, F2 बनेगी। F2 के बाद में कौन सी बनती है, F3 बनती है। F3 के बाद में F4 बनती है। तो आपको ध्यान है, तो वंशावली विधि में F2 तथा बाद की पीढ़ियों में एकल पौधों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है तथा उनकी संतियों को अलग संतति कतारों में उगाया जाता है। उनको अलग संतति कतारों में उगाएंगे, जो आप आरेख में देखेंगे। इस विधि का उपयोग विशेष लक्षण अब सामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जा सकता है। इस विधि में सभी चयन किए गए पौधों के जनक एवं पूर्वज पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि चयन किए गए पौधों के जनक होते हैं एवं उनके पूर्वज पौधों को क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। इस कारण इस विधि को क्या कहा जाता है, वंशावली विधि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए वंशावली विधि प्रक्रिया क्या है, जो आप डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ। ध्यान देंगे कि सबसे पहले प्रथम वर्ष, यहाँ से प्रथम वर्ष की शुरुआत होगी, आपको ध्यान रखना है। ये कौन है, जनक, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स P1 P2 दिया गया इनको। तो पहला है जनकों में संकरण कराना, यहाँ लिखा गया है जनकों में क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो ये जनक फर्स्ट है, जिसके अंदर ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये एक प्रकार से क्या है, जनक है। ये पौधे मान लो, ये कोई काउंट नहीं करना है आपको, ये आपको डेडेस के रूप में भरना है। तो जनकों में क्या कराना है, संकरण कराना है। तो इस प्रकार से ये बॉर्डर बनाएंगे और इसके अंदर एक प्रकार से आपको ये डेडेस भरना है। इसका मतलब ये क्या है, जनक है। तो जनकों में क्या करेंगे, संकरण कराएंगे, इनमें संकरण कराएंगे। तो संकरण के बाद में जो प्राप्त पौधे होंगे उनको क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, आपको बताया गया है। तो ये आप बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर आपको ये पौधे उगाने हैं। बस इसमें एक ध्यान रखना है कि इनके बीच में अंतराल होना चाहिए, थोड़ा सा दूरी दूरी पर डेड डेस्क बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम वर्ष है, ये द्वितीय वर्ष है। ध्यान रखिए वर्ष की शुरुआत यहाँ से होगी, जनक से, और F1 की शुरुआत यहाँ से होगी, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब जनक में क्रॉस कराएंगे तो कौन सी पीढ़ी बनेगी, F1 बनेगी। तो यहाँ से F1 की शुरुआत यहाँ से होगी और यहाँ वर्ष कौन सा बन जाएगा, द्वितीय वर्ष बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, F1 पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी पर उगाना। ये F1 पीढ़ी के क्या हैं, पौधे हैं, और इन्हें क्या करेंगे, समुचित दूरी पर उगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। F1 के बाद में क्या बनेगी, F2 बनेगी। वर्ष कौन सा आ जाएगा, तृतीय वर्ष। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको ओनली ध्यान रखना है, बस ये आरेख आप ध्यान रखेंगे। F2 पौधों को समुचित दूरी पर उगाना, ये आपको क्लियर ध्यान रखना है कि F2 पौधे उन्हें समुचित दूरी पर उगाएंगे। लगभग 2000 से 10000 पौधे, ये आपको ध्यान रखना है। उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। कि इसके अंदर 100 से 500 अच्छे पौधों का क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। तो ये F1 के बाद में F2 आएगी, आपको ध्यान क्या रखना है, F2 पौधों को समुचित दूरी पर उगाएंगे और उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो पीढ़ी आएगी वो कौन सी आएगी, F3, और वर्ष कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ वर्ष, ध्यान रखें। तो F3 में इस प्रकार की लाइन है, ये आपको ध्यान रखें, जहाँ ये लाइन आ जाए तो समझे एकल पादप संततियाँ, एकल सिंगल हैं, यानी एक की पौधे हैं, एकल पादप संतति के रूप में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के चिन्ह को आपको ध्यान रखना, एकल पादप संततियाँ, तो आप ध्यान रखेंगे एकल पादप संततियाँ उगाना। तो F3 की बात आए तो ये पौधे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में F2 के बाद में F3 आएगी,
और एकल पादप संततियां उगाना। बस दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, उत्कृष्ट संततियों में से उन्नत पौधों का चयन कर लेंगे कि जो ऊपर उन्नत संततियां थी उनमें से उन्नत पौधों का क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। चतुर्थ के बाद में कौन सा वर्ष आएगा, पांचवा वर्ष, और कौन सी आएगी एफ फोर आएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उसके बाद में आपको इसी क्रिया को आपको दोहराना है। तो आपको यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या लेंगे एफ थ्री की क्रिया को दोहराना, मतलब एकल पादप संतति उगाना ये भी लिख सकते हो, उत्कृष्ट संततियों में से उन्नत पौधों का चयन करना, लेकिन आप सीधा क्या लिखेंगे एफ थ्री की क्रिया को दोहराना। इससे मतलब समझ गए होंगे कि यही बातें आपको लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कौन सी आएगी एफ फाइव आएगी। तो एफ फाइव में आप क्या ध्यान रखेंगे वो ध्यान देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एफ थ्री है, एफ थ्री के बाद में जो है एफ सिक्स तक एक बात आपको ध्यान रखनी है, एकल पादप संतति उगाना, ये आप ध्यान रखेंगे। कि आप जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये एफ वन है एफ टू है, तो एफ थ्री से लेकर एफ सिक्स तक क्या उगाएंगे, एकल पादप संतति उगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो एफ थ्री छठे वर्ष में या एफ फाइव में क्या करेंगे, एकल पादप संतति उगाना, वन थ्री के आधार वांछित पौधों का चयन करना, या ये भी कह सकते हैं एफ थ्री की क्रिया को दोहराना। छठे वर्ष में वही बात है, संतति में कटाई पुंज में करना, पुंज यानी समूह, ये आपको ध्यान रखना है, और एफ फाइव की क्रिया को दोहराना, उसी क्रिया को क्या करेंगे दोहराएंगे। तो जहाँ पर इस प्रकार की लाइनें आ जाएँ तो समझें एकल पादप संतति उगाना, बस एक ध्यान रखना है एकल पादप संतति रहेंगे, लेकिन वन थ्री की कतारें रहेंगी, तीन तीन के समूह, यहाँ पर तीन तीन के हैं, वन थ्री की कतारें, ये आपको ध्यान रखना है कि एफ थ्री से एफ सिक्स तक वन एकल पादप संततियाँ हैं, लेकिन एफ फाइव एफ सिक्स में क्या है, वन थ्री की कतारें, ये और आपको थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है, तीन तीन का क्या बनाएंगे समूह बनाएंगे। आठवां वर्ष या एफ सेवन की बात यहाँ करेंगे, तो इस प्रकार के बॉक्स बनाने हैं, ये चार बॉक्स बना रखें, इसका मतलब है उपज परीक्षण याद रखें, जहाँ ये सिंगल बॉक्स दिखे तो याद रखें प्रारंभिक उपज परीक्षण, ये आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक उपज परीक्षण करना, जिसमें जो संतति है उनमें एक प्रकार से गुणवत्ता है, उपज है आदि का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। नवे वर्ष से ग्यारहवें वर्ष यानी नौ दस और ग्यारह ये तीन बॉक्स हैं, इसका मतलब नौ है, दस है और ग्यारह है, नौ दस ग्यारह यानी तीन वर्ष तक, यानी एफ एट से एफ टेन तीन वर्ष हो गए, एट नाइन टेन ये तीन वर्ष की है, तो एट नाइन टेन इसका मतलब तीन बॉक्स बने हुए हैं, तो समन्वित है एक साथ समन्वित, तो समन्वित उपज परीक्षण करना, इस बॉक्स का मतलब आप समझ चुके हैं कि किसको बताते हैं उपज परीक्षण को, लेकिन यहाँ पर तीनों एक साथ हैं, तो आपको क्या बताना है समन्वित उपज परीक्षण करना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप तीर भी लगा देंगे, बारह वर्ष या एफ ग्यारह होगा, विमोचित किस्म के बीज का गुणन एवं वितरण करना, कि जो विमोचित किस्म के बीज हैं उनको गुणन किया जाता है, यानी उनको उगाकर अधिक संख्या में बीज तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद में उनका क्या किया जाता है, तो वितरण किया जाता है, बॉक्स बनाएंगे और इसमें ये बीज उगा देंगे। वंशावली विधि में आपको ध्यान क्या रखना है कि एफ वन पहले जनकों में क्रॉस कराएंगे, तो उसके बाद में एफ वन बनेगी, फिर उसके बाद में एफ टू बनेगी, एफ टू के बाद में एफ थ्री आएगी, तो एफ थ्री एफ फोर एकल पादप संतरियाँ, फाइव सिक्स आपको ध्यान है एक प्रकार से एकल पादप संतरियाँ उगाएंगी, लेकिन वहाँ पर वन थ्री की कतारें उगाएंगी, उसके बाद में उपज परीक्षण करेंगे, समन्वित करेंगे, और उसके बाद में विमोचित किस्म के बीज का गुणन और वितरण करेंगे, आपको ध्यान रखना है। वंशावली विधि के महत्व की बात करेंगे, वंशावली विधि नई किस्म के विकास में पुंज विधि की तुलना में कम समय लगता है, पुंज विधि आप आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, निकृष्ट पौधों एवं संततियों को एफ टू तथा एफ थ्री पीढ़ी में त्याग दिया जाता है, जिससे अपेक्षाकृत
कम पौधे उगाने पड़ते हैं। यह पौधों के लक्षणों के सुधार के लिए अत्यधिक उपयोगी है कि पौधों के लक्षणों में सुधार लाना है तो उसके लिए यह एक अत्यधिक उपयोगी विधि है। तो यह वंशावली विधि, इससे आगे कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।